प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान आर्थिक व अन्य गतिविधियों को मिली छूट का विभिन्न वर्गों के द्वारा स्वागत किया गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू जैसे कुछ कठोर कदम उठाए जाना समय की मांग रही है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। हमीरपुर शहर के व्यवसायी नितिन शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों की समय अवधि बढ़ाने का सराहनीय फैसला लिया है। इसके लिए वे समस्त व्यापारी वर्ग की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार भविष्य में भी व्यापारी वर्ग की समस्याओं एवं कोरोना की अन्य चुनौतियों को देखते हुए उनके हित में अच्छे फैसले लेंगी। उन्होंने व्यापारी वर्ग से भी अनुरोध किया कि सामूहिक तौर पर कोरोना की इस जंग को जीता जा सकता है। ऐसे में वे अपने प्रतिष्ठानों में COVID-19 संबंधित निर्देशों का अनुपालना सुनिश्चित करने में सरकार व प्रशासन का सहयोग करें। मैं समस्त व्यापारी भाइयों एवं अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं सरकार का हमारे व्यावसायिक आवर बढ़ाने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में भी प्रदेश के स्वास्थ्य गति में अगर सुधार बनता है तो हमारे व्यावसायिक आवर भी बढ़ाए जाएं। इसके साथ साथ मैं अपने व्यापारी मित्रों भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि सरकार द्वारा निर्धारित जितने भी मापदंड हैं, जिनमें मास्क है और 2 गज की दूरी है, सैनिटाइज़र है, इन सभी चीज़ों का भी हम लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ध्यान रखें। तो ये जो लड़ाई है ये हम सबको मिलजुल के लड़नी है। इसमें जितना सरकार का दायित्व है उससे अधिक दायित्व जो है वो हमारा भी है, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। भोरंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंजोत के करियाना व्यवसायी संजीव कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा दुकानें खोलने के समय में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस छूट के लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। समय अवधि बढ़ने से उन्हें सामान बेचने में अधिक सुविधा हुई है, वहीं दुकान में भी भीड़ कम लग रही है। मैं संजीव कुमार, ग्राम पंचायत पंजोत, किराने की दुकान करते हैं जी। तो जो सरकार ने हमारे लिए 2 घंटे का टाइम बढ़ाया तो उसमें हमारे को ऐसा है कि टाइम मिल जाता है सामान सामून बेचने के लिए खुला, और ग्राहक भी जो भीड़ है वो कम लगती है शॉप पे, और जो सामान लेने के लिए आते हैं उनको भी आराम से सामान मिल जाता है। तो मतलब ये जो 2 घंटे बढ़ाए सरकार ने, ये बहुत बढ़िया डिसीजन है जी गवर्नमेंट का, और जो कोविड की महामारी उससे भी थोड़ा बचाव हो सकता है। और ये जो सरकार ने 2 घंटे का टाइम और बढ़ाया जी, इसके लिए हम जयराम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये बहुत अच्छी मतलब सोच है एक सरकार की। डुका गांव के किराना व्यापारी नवल किशोर ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में छूट की अवधि 3 से बढ़ाकर 5 घंटे करने पर जयराम सरकार का वे आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारी वर्ग को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि COVID-19 नियमों के अनुरूप ही कार्य करने में वे अपनी प्राथमिकताएं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं नवल किशोर, ग्राम रूका, जिला हमीरपुर का निवासी हूँ। मैं एक करियाना का व्यापारी हूँ। मैं जयराम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने व्यापारिक वर्ग के बारे में सोचते हुए जो दुकान खोलने का समय 3 घंटे था उसको बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया, जिससे हमारे व्यापारिक वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। और वैसे तो आजकल हर लोग बहुत ही जागरूक हैं, लेकिन हम फिर भी कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के मद्देनजर ये कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से जयराम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने व्यापारी वर्ग के बारे में सोचते हुए इस कार्य को अंजाम दिया।